हेलो, कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पर मैंस क्वालिटी टू मैन। नेक्स्ट थीम में बता रहे किस में एक और चीज़ है जो उन्होंने मतलब जिस थीम पर उन्होंने काम किया है, वह क्यूरियोसिटी एंड लैक ऑफ इट। क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर थी, ठीक है, कुछ जानने की, और लैक उस ओल्ड मैन के अंदर थी, उनके ग्रैंडफादर में। वो बता नहीं पाए क्योंकि उन्हें पता नहीं था, ठीक है। तो ये भी थीम रही इसके अंदर, तो इसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं। ज़रा क्या दिखाओ, चिल्ड्रन आर क्यूरियस बाय नेचर। बच्चे तो नेचुरल ही मतलब क्यूरियस होते हैं, तो ये वो कह रहे हैं कि नेचुरली वो क्यूरियस होते हैं बाय नेचर। सो वैन पीटर कैन फाइंड अ स्कल, ही ब्रिंग्स इट टू हिज ग्रैंड फादर इमीडिएटली आस्क हिम वॉट इट इज, ठीक है। कैस्पर टेल्स हिम दैट इट इज अ स्कल ऑफ अ सोल्जर हु डाइड इन द बैटल ऑफ ब्लेनिम। पीटर्स ट्विन सिस्टर विल माइन देन आस्क कैस्पर टू डिस्क्राइब द वॉर। उसकी बहन कहती है कि वॉर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताओ, एंड एक्सप्लेन इट्स कॉजेस, और ये क्यों, उसके रीजन क्या है ये भी बताओ। कैस्पर इज एबल टू डिस्क्राइब वेयर द वॉर वॉज फॉट एंड बिटवीन हुम। कैस्पर केवल ये बता सकता था कि वॉर कहाँ हुआ था और किन के बीच में हुआ था, बट ही कैन नॉट एक्सप्लेन द पर्पस। इसका क्या पर्पस था ये नहीं बता सकते, और द बेनिफ नॉट द बेनिफिट्स ऑफ द वॉर, और वॉर की क्या बेनिफिट्स थे वो ये भी नहीं बता सकते। ही हैज नो आइडिया अबाउट द कॉजेस, उनको पता ही नहीं था ये क्यों हुआ। ऑल दैट मैटर्स टू हिम इज दैट ऑस्ट्रिया एंड इंग्लैंड वॉन अ ग्रेट विक्ट्री अगेंस्ट फ्रांस। वो जानते थे कि ऑस्ट्रिया के लोग इंग्लैंड के लोगों ने फ्रांस को हराया, बहुत ग्रेट विक्ट्री उन्होंने ली, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही, 2 सेकेंड, लेट मी चेक, क्योंकि मेरा डेटा कनेक्शन ऑफ है। ये अच्छा, मैंने ध्यान दे दिया। वैसे डिस्कनेक्ट हो जाती है रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाला, इस वाले पैराग्राफ में आई थिंक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, जरा पढ़ो जरा, 2 सेकंड। कॉम्प्लेसेंसी, ओल्ड कैस्पर, कॉम्प्लेसेंसी थीम क्या है बेसिकली। हाँ, कैसे बोलूँ, कॉम्प्लेसेंसी का मीनिंग आपको मतलब हैप्पीनेस वाली फीलिंग है, हैप्पीनेस वाली, एक सेटिस्फेक्शन वाली, ठीक है। तो कह रहे हैं ओल्ड कैस्पर अनक्वेश्चनिंगली अनक्वेश्चनिंगली एक्सेप्ट द लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ। मतलब ओल्ड कैस्पर को कोई क्वेश्चन नहीं था, वो उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया अपनी लाइफ में, कभी भी उन्होंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किए, है ना। उन्होंने सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ कुछ इनोसेंट लाइफ थी, उनकी डेथ हो गई, वो लूज हो गए, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जीत पाने के लिए कुछ तो कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो उन्होंने कोई मतलब उस दुख नहीं किया, कोई उन्होंने मतलब कोई क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने वो उस चीज़ से भी खुश थे, मतलब सेटिस्फाई थे, ठीक है। तो वही चीज बताई गई, कॉम्प्लेसेंसी ये वाली थीम भी बताई गई है। इट सीम्स दैट ही हैज रिजाइंड हिमसेल्फ टू द फैक्ट दैट द पीपल डू डाई इन वॉर्स। उन्होंने ये मान रखा था, कि पीपल तो डाई होते हैं वॉर्स के अंदर। थ्रू आउट द पोएम इट ही इज सीन रिपीटिंग दैट द विक्ट्री वॉज ग्रेट एंड फेमस, बट ही इज इग्नोरेंट ऑफ द कॉज ऑफ द वॉर। हर पूरी पोएम में ये बार रिपीट किया गया कि विक्ट्री बहुत ग्रेट थी और फेमस थी, बट उन्होंने रीजन के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। कैस्पर्स कॉम्प्लेसेंसी इज लाइक दैट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिशियंस। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कैस्पर की कॉम्प्लेसेंसी को या कैस्पर की नेचर को मॉडर्न टाइम में किससे कंपेयर किया गया। वो कह रहे हैं ये आज के मॉडर्न पॉलिटिशियंस की तरह है, तरह थी उनकी सोच जो थी। आज के पॉलिटिशियंस जिस तरह से किसी की जान की चिंता नहीं करते, वो जो हो रहा है होने देते हैं, क्यों हो रहा है कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से कैस्पर थे।
who dismiss the deaths of innocent people in war by referring to them with the impersonal phrase collateral damage. ये कह रहे हैं कि आज के पॉलिटिशियन की तरह है जो कि डेथ होती है उनको इग्नोर कर देते हैं, मतलब उनको ज़्यादा ध्यान नहीं लेते, बस ये कह देते हैं कि तुम्हारा डैमेज नहीं कोलैटरल डैमेज है। कोई सोल्जर मर रहा है कि ये सोल्जर की डेथ हुई, वो कि ये सोल्जर की डेथ हुई, वो कहते हैं कि पूरे कंट्री की डेथ हुई है, ये थोड़ी किसी फैमिली के सोल्जर की डेथ हुई, पूरे कंट्री की डेथ के सोल्जर की डेथ हुई है, तो किसी आपका पर्सनल डैमेज नहीं हुआ है, सभी का कोलैटरल डैमेज हुआ है, ठीक है। तो कह के बच जाते हैं वो लोग। तो ये थीम बेसिकली थी, अच्छी थीम थी। रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। स्टाइल पोएम के कहने का स्टाइल क्या था? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। सब दिस आफ्टर बैंडम इज एन एंटी वॉर पोएम बिल्कुल इन द फॉर्म ऑफ बैलेड। तो बैलेड क्या होती है? बैलेड होती है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, स्टोरी। तो बैलेड क्या होता है? लॉन्ग नरेटिव पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, है ना, इसमें एक स्टोरी में सुनी जाती है। इट इज़ अ हाइटेंड नरेशन दैट यूज डिफरेंट नरेटिव टेक्निक्स लाइक लाइन एफिकस ऑफ स्टोरी। वो कर बहुत हाई लेवल का मतलब नरेशन इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की टेक्निक्स लाइक लाइन और फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ की गई हैं। आफ्टर बेनिंग नरेट द स्टोरी ऑफ कैस्पर, जो आफ्टर बेनिंग है ये स्टोरी बताते हैं कैस्पर की और उनके दो ग्रैंड चिल्ड्रन की, जो कि इंगेज होते हैं कॉन्वर्सेशन में अबाउट द फेमस बैटल द वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, है ना। ईच स्टेंजा ऑफ द पोएम कंटेन्स सिक्स लाइन्स, हर स्टेंजा में सिक्स लाइन्स हैं। एंड द मीटर इज आइम्बिक टेट्रामीटर। ये कुछ नई चीज़ें मेरे लिए भी। रेफरेंट, अ रेफरेंट इज अ फ्रेज, अ रेफरेंट इज अ फ्रेज कह लो, वर्ड्स कह लो, और ग्रुप ऑफ वर्सेस कह लो, रिपीटेड एट इंटरवल थ्रू आउट द पोएम। ओके, यानी कि इसमें किसकी बात कर रही है? इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री, है ना, उस वाली बात कर रहा है वो। कि रेफरेंट मतलब होता है, एक नई चीज आपको मालूम पड़ेगी, रेफरेंट रेफरेंट मतलब होता है कैसा फ्रेज, ऐसी लाइन या ग्रुप ऑफ लाइन जो एक प्रॉपर इंटरवल के बाद रिपीट होती रहती है थ्रू आउट द पोएम। तो यहाँ पर तो एक चीज रिपीट हुई है, द ग्रेट विक्ट्री, फेमस विक्ट्री, है ना ये। तो इन द पोएम आफ्टर द ब्लेम द पोएट हैज रिपीटेड द फ्रेज द ग्रेट विक्ट्री एंड द फेमस विक्ट्री विद लिटिल वेरिएशन, थोड़ा चेंजेस हुए, एग्जैक्ट वर्ड नहीं है पर थोड़े चेंजेस हुए हैं, पर कहना बार बार ही चाह रहे थे। तो यही चैप्टर इस पोएम के अंदर क्या होगा, रेफरेंट होगा। इट हैज बीन यूज्ड टू एम्फसाइज द इग्नोरेंस एंड कॉम्प्लेसेंसी ऑफ द कॉमन मैन अबाउट द पर्पस ऑफ वॉर। ये बेसिकली इसलिए लिखा गया ताकि समझा सकें कि नॉर्मल लोग इग्नोर मतलब इग्नोर रहते इग्नोरेंट होते हैं वॉर के रिगार्डिंग, के रीजन क्या था क्या नहीं, और बस चीज़ों को ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड द ओनली नॉलेज दैट द वॉर वॉज वॉन बाय देयर कंट्री, और बस वो जानते हैं कि हमारी जीती या हमारी हारी, बस, और जो जीती तो वो हमारे लिए अच्छी थी या बुरी थी, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। राइम, द एंड राइम इन ईच स्टैंजा एक्सेप्ट इन द सेकंड सीटी ए बी सी डी डी। वो कह रहे हैं सेकंड स्टैंजा को छोड़ दो, सेकंड स्टैंजा को छोड़ दो, जितने भी सारे स्टैंजा थे वो सही में तो राइमिंग बन रही है, वो ए बी सी डी 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 बन रही है, ठीक है। जैसे कि ये बी है, ये ना, तो इसको देखो बी किससे बन रहा है, फिफ्थ वाले से, बाय साय, है ना, सेम सेम हो रहा है। फिर सी से कुछ ना डी डी बन रहा है, फिर डी डी ही बिक्री, है ना, तो इस तरह से। एलिटरेशन, फिगर ऑफ स्पीच। एलिटरेशन इज रिपीटेशन ऑफ ए स्पीच साउंड, इंपॉर्टेंट, चलो सर ने अच्छे से लिखा है, साउंड, है ना। एलिटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ ए स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर अदर वर्ड्स, है ना। ध्यान रखना ये वाला टीम है ना, वर्ड वाला एलिटेशन हमेशा स्टार्टिंग का वर्ड लेते हैं।
या फिर स्टार्टिंग में, तो नहीं स्टार्टिंग में वर्ड भी क्यों, अगर मैं आपको एक बताऊँ तो इसी डेफिनेशन से वर्ड, यहाँ तो पूरा वर्ड निकल रहा हो, जैसे टेल तो टू निकल रहा है, इट टू निकल रहा है, पीटर टू निकल रहा है, लिटिल यहाँ तो एल, लिटिल लिटिल में लिल लू निकल रहा है, यहाँ पे विल निकल रहा है, लुक्स निकल रहा है, तो यहाँ पे साउंड क्रिएट किया जाती है ना। अब सर आप वॉट टू भी तो निकल रहा नहीं, आप वॉट बोलते हो लेकिन लोग वॉट भी बोलते हैं, वॉट जल्दी जल्दी में है ना, तो इसका साउंड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो सारे आपको क्या दिए हुए हैं, एलिट्रेशन दिए हुए हैं, मीनिंग हंडन दे तो पढ़ा नहीं था मेरे को, वेदर वंडर वेटिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। पोएम नहीं रिपीटेशन पे था ना, मैं एट द एंड ऑफ ऑलमोस्ट ईच स्टेंजा देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ एन आइडिया ऑफ ग्रेट बुक, वो कह रहे हैं ऑलमोस्ट हर स्टेंजा क्लास में ये रिपीटेशन तो है ही है कि ये बहुत ग्रेट विक्ट्री थी, इन विच द इंग्लिश पुट द फ्रेंच टू रूट, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रेंच फ्रांस के लोगों को भगा दिया था। थ्रू आउट द पोएम कैस्पर रिपीट द विक्ट्री बींग फेमस ऑफ ग्रेट डिस्पाइट बींग इग्नोरेंट ऑफ द पर्पज ऑफ वर्ब, वो कह रहे पूरे पोएम में जो हमारे कैस्पर थे वो ये कहते थे कि हाँ ये फेमस विक्ट्री थी, ग्रेट विक्ट्री थी, बट उन्हें रीजन के बारे में कुछ नहीं, तो उसके रिगार्डिंग में इग्नोरेंट थे। आई डोंट देखो जरा कि चैप्टर की स्टोरी की, बेसिकली द पोएम आफ्टर द आफ्टर ब्लेंडिंग इज एन एंटीवर पोएम बिल्कुल, विच रिफ्लेक्ट्स ऑन द हॉरर्स ऑफ द वॉर लाइक बर्न हाउस, जिसका जो डर वगैरह है वो हम इससे देख सकते हैं कि घर जला दिए गए, सिविलियन को भगा मार दिया गया, ऐसे ही ना लाइक दोज ऑफ प्रेगनेंट वुमेन और न्यू बॉर्न बेबीज को और रोटन कॉर्पसेस, इन सब समझ सकते हैं डरावना था ये। इट इज हाउएवर आयरोनिकल दैट द पोएम ग्लोरीफाई द आउटकम ऑफ द वॉर, मतलब ये सब होने के बाद भी, ये सब होने के बाद भी हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं आउटकम को, यानी हम जीत गए, इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री है ना, इन द फॉर्म ग्रेट विक्ट्री फॉर नेशन एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्शन, द कॉस्ट इतना नुकसान होने के बाद लाइफ का भी प्रॉपर्टी का भी, तो ये तो आयरनी इस पोएम के। ऑल दो ओल्ड कैस्पर इज अवेयर ऑफ द डैमेज कॉज बाय द वॉर, ओल्ड कैस्पर को पता था कि क्या क्या डैमेज हुआ है ना, एंड दैट टू टू हिज ओन फैमिली, अपने फैमिली का भी उसका नुकसान हुआ है, येट ही सीम्स टू बी मोर इंटरेस्टेड एंड अवेयर ऑफ द विक्ट्री अचीव्ड इन वॉर देन इट्स पर्पज और बेनिफिट्स, फिर भी ऐसा लगता है भी उसमें कि फैमिली भी उस वॉर में लॉस्ट हो गई है ना, पर फिर भी उन्हें गुस्सा नहीं आया कि बे बजा के वॉर में मेरी फैमिली चले गई, नहीं बस वो तो इस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड है कि हाँ हम जीत गए, ये ग्रेट विक्ट्री थी, हम जीत गए। ठीक है, हिज ग्रूसम डिस्क्रिप्शन, उनका जो ग्रूसम डिस्क्रिप्शन था फॉलोड बाई हिज कैजुअल सिंग क्रिएट एन इफेक्ट ऑफ आयरनी इन द पोएम, मतलब इनकी बातें एकदम अजीब ही लग रही हैं इस पोएम में। ओल्ड कैस्पर रिपीट द वर्ड्स ग्रेट विक्ट्री फेमस विक्ट्री एज वेल एज दिस वॉज द ऑल ही नोज अबाउट यू, और यही वो था जो वो जानता था, केवल उसको जानते भी नहीं थे वो। इट इज ऑल्सो आयरोनिकल दैट द मासेस आर लर्ड बाई द लीडर्स इन टू बिलीविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ विक्ट्री इन द वॉर रेदर देन इट्स पर्पस और बेनिफिट्स फॉर द कॉमनवेल्थ, आयरोनी एक्सपोजेस टू लीडर्स द पॉइंटलेसनेस ऑफ वॉर, बिल्कुल वॉरों में कोई मीनिंग नहीं होता, वॉर मीनिंगलेस होते हैं, बस लोग अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए करते हैं। क्रिटिकल रिमार्क्स वॉर पोएट्री, रॉबर्ट साउथे अडॉप्ट एन एल्टी वॉर एटीट्यूड इन हिज पोएम आफ्टर ब्लेंडिंग, बट आर्ग्यूएबली ही हिमसेल्फ वाज नॉट एंटी वॉर, मतलब वो एंटी वॉर नहीं थे, पर उन्होंने एंटी वॉर एटीट्यूड रखा इसके अंदर, यानी ऐसा नहीं कि वो बहुत शांति इंसान थे, नहीं वो वॉर को पसंद करते थे, लेकिन इस पोएम उन्होंने लिखी एंटी वॉर के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत अजीब बात है। बैरन कंसिडर्ड सऊदी अ पजल, ऑन वन हैंड ही कंडेम्ड द इंग्लिश विक्ट्री एट ब्लेनिम, ऑन द अदर ही प्रेज्ड द बैटल ऑफ वाटरलू इन द पोएट्स पिलग्रिमेज टू वाटरलू, देर वर मेनी पोएट हु वर आइदर प्रो वॉर
War. There were early war poets like Richard Lovelace or Rupert Brooke who glorified war by associating it with the idea of honor, duty, and patriotism. Richard Lovelace, in his poem to Lucasta, Going to the War, romanticizes war and believes that fighting will bring him honor. Okay, moreover, Rupert Brooke wrote a group of sonnets called 1914, which glorifies England and the idea of dying for England. Okay, even Alfred Lord Tennyson wrote a Alfred Lord Tennyson, ye naam suna suna lag raha hai, The Charge of Light Brigade, as a celebration of the heroic soldier in the Light Brigade who fell in the service to their commander and their cause. Okay. The poem glorifies war and the courage even in cases of complete inefficiency and waste. ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में. पहले देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है. अब देखो क्या लिखा हुआ है. रॉबर्ट साउदे जो कि एंटी वॉर पर्सन ही थे, यानी ये तो वॉर थे. तो वॉर मतलब क्या, एंटी वॉर मतलब जिसको वो पसंद ना हो, जो वॉर के अगेंस्ट, लेकिन ये ऐसे थे वॉर के अगेंस्ट, वॉर के फेवर में थे. यानी इनको वॉर पसंद है, ये चाहते हैं किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना हो तो बातों से नहीं लड़कर फैसला लिया जाए. ठीक है, तो ऐसी पर्सनैलिटी होने के बाद भी उन्होंने इसका टॉपिक चूज़ किया. ठीक है, तो पहले तो ये बताना चाह रहे हैं. फिर कह रहे हैं बैरन कंसिडर साउदे अ पजल. बैरन जो भी है पता नहीं, इन्होंने कहा कि साउदे तो एक पजल की तरह है. एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों, दूसरी तरफ ब्लेंडिंग में, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था ना, तो किसी और जो इनकी दूसरी पोएम में लिखा है ये उसकी तारीफ करते हैं. ठीक है, यानी इसमें तो ये एंटी वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, के बारे में बातें नहीं, वॉर के बारे में बातें कर रहे हैं. तो थोड़ा अजीब ही, मतलब बैरन जो भी है यहाँ पे पोइट वगैरह क्या है, मतलब बुक को लिखने वाले जो भी हैं, वो कन्फ्यूजन के रिगार्डिंग कि ये इंसान ही क्या है. एक पोइट में तो ये लड़ाई के ऊपर, लड़ाई की तारीफ कर रहे हैं, एक में एंटी वॉर की बात कर रहे हैं लड़ाई ना होने की. फिर कह रहे हैं देर और मैनी पोइट्स, और भी पोइट्स हैं जो या तो प्रो वॉर हैं या फिर एंटी वॉर हैं. लाइक तो कह रहे हैं देर वर अर्ली वॉर पोइट्स. वॉर पोइट्स मतलब जो वॉर पसंद है इनको, रिचर्ड लवलेस बोलो जो भी बोल रहा हूँ, और रूपर्ट ब्रूक हो ग्लोरीफाइड वॉर बाय एसोसिएटिंग इट विद द आइडिया ऑफ ऑनर. मतलब रूपर्ट ब्रूक का तो ये कहना था कि वॉर तो मतलब एक तरह से ऑनर का सिंबल है. अगर आप वॉर में लड़के आते हो तो आपको रेस्पेक्ट मिलती है, लगता है कि आपने अपने देश के लिए कोई ड्यूटी फॉलो की, पेट्रोटिज्म आपके अंदर नेशनलिटी वाली फीलिंग है, लगता है ऐसा. ऐसा रॉबर्ट ब्रूक का कहना था. रिचर्ड लवलेस इन हिज पोएम टू लुकास्टा गोइंग टू द वॉर, उसमें तारीफ करते हैं मतलब वॉर की है ना, बिलीव दैट फाइटिंग विल ब्रिंग हिम ऑनर, वो भरोसा करते हैं लड़कर ही उनको ऑनर मिलेगी, रेस्पेक्ट मिलेगी. मोर ओवर इसके बाद भी रूपर्ट ब्रूक जो है उन्होंने बहुत 5 सोनेट्स लिखे जिनको 1914 बोला जाता है, जिसमें ये ग्लोरीफाई करते हैं इंग्लैंड को, और ये भी कहते हैं कि इंग्लैंड के लिए मरना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है. यानी इस चीज़ को भी बहुत अच्छा बोलते हैं ये. इवन एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनके पोएम में अगर आप, मुझे नाम ध्यान नहीं, हमने पढ़े थे 11th क्लास में आई थिंक, बहुत अच्छी है. एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अगर यही नाम है इनके, मतलब बहुत अच्छी वॉरियर नेम कुछ ऐसे ही है, मुझे ध्यान नहीं. अगर आपके मौके तो मज़ा आएगा आपको कभी पढ़ना. बेन टेनिसन नहीं है, ध्यान रखना, आप बेन टेनिसन समझो ना. एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द वॉरियर कुछ ऐसे इनकी वो है, मतलब बहुत अच्छी है. दो सेकंड रुको,
है ना, कंटिन्यू करते हैं कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन नाम के पोइट, लॉर्ड टेनिसन नाम के पोइट भी हैं जिन्होंने द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड में एज अ सेलिब्रेशन ऑफ द हीरोइक सोल्जर इन द लाइट ब्रिगेड फेल इन द सर्विस टू देयर कमांडर। ये बता रहे हैं कि एक उनके एक पोइट पोएम है द चार्ज ऑफ अ लाइट ब्रिगेड, है ना। तो उसमें क्या होता है, सोल्जर अपने कमांडर के लिए जान देते हैं अपने कमांडर के ऑर्डर के लिए, है ना। तो बता रहे हैं तो उन्होंने इस चीज़ को भी बहुत फैसिलिटेट किया हुआ है, मतलब उस चीज़ को भी उन्होंने बहुत सराहना सराहाया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो कह रहे हैं द पोएम ग्लोरीफाइज वॉर, और ये जो पोएम है ये वॉर को ग्लोरीफाई करती हैं इन द करेज इन केस ऑफ इन केस ऑफ कंप्लीट इनएफिशिएंसी एंड वेस्ट। फिर कह रहे हैं अदर देन दिस, इनको छोड़ो, वी हैव पोइम्स लाइक विल्फ्रेड ओवेंस डल्स एट डेकोरम ईस्ट, ये तो बुक फैंसी लग रही है, और साउथ इज आफ्टर बैनिंग विच आर एंटी वॉर, ये बिल्कुल एंटी वॉर है। एंटी वॉर पोएट्री ऑफन इलस्ट्रेट द हॉरर्स ऑफ वॉरफेयर, यानी ये बताते हैं कि इतना खतरनाक होता है ये वॉरफेयर, डिवास्टेटेड लैंडस्केप, डिस्ट्रक्टेड एरिया पूरा। सीज फ्रेड सेसन, एडमंड ब्लंडेन, आइवर गर्ने एंड रॉबर्ट ग्रेस आर सम ऑफ द अदर एंटी वॉर पोएट्स के नाम दिए हुए, ठीक है। देयर वर्सेस ऑफन स्टैंड इन द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू देयर पेट्रियोटिक पोएम्स ऑफ वॉर रिटन बाय अर्लियर पोएट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सच एज रूपर्ट ब्रॉक। एंटी वॉर पॉइंट वॉर पॉइंट पढ़ने रहा, आफ्टर ब्लेनिंग हैज अ स्कैथिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द हॉरर्स ऑफ द वॉर, इट शोज दैट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स एंड वॉर आर मैटर्स विच आर कट ऑफ फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। वो क्या इनका कहना है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है, पॉलिटिक्स होती है, वॉर जैसे मैटर है ना, ये नॉर्मल इंसान की लाइफ में नहीं इफेक्ट करनी चाहिए, इनकी नॉर्मल लाइफ के इंसानों की नॉर्मल लाइफ में सब हटा देना चाहिए इसका इम्पैक्ट। इन एंड आउट वर्स्ट अ प्रेज फॉर द हीरोज हु वॉन द वॉर, ओल्ड कैस्टर रिवील्स द टिपिकली इनएबिलिटी ऑफ एन ऑर्डिनरी सिटीजन टू ग्रेस्प द रीजन बाय द वॉर टू प्लेस। वो कह रहा है कि तारीफ करते करते, तारीफ करने के बावजूद भी उन हीरोज की जो कि वॉर जीते हैं, ओल्ड कैस्पर था ना वो अनेबल था, वो ये नहीं बता पाया कि ऑर्डिनरी इंसान को उसके फायदा हुआ, ये हुआ क्यों, ठीक है। द पोएट्स कमेंट इज एनोनिमस, और लेकिन द पोएट वो कमेंट बड़े खतरनाक दे रहा है, इट वॉज द इंग्लिश जो अंग्रेज थे, फ्रेंच रूट जिन्होंने फ्रेंच के लोगों को, जो इन्होंने फ्रेंच को भगा दिया, जिन्होंने फ्रांस के लोगों को भगा दिया। बट वॉट दे फॉट ईच अदर फॉर आई कुड नॉट वेल मेक आउट, लेकिन वो कैसे लड़े वो मेरे को नहीं पता। ओल्ड कैस्पर टेल्स हिज ग्रैंडचिल्ड्रन दैट नॉट ओनली हिज ओन पेरेंट्स हैड बीन रेंडर्ड होमलेस बाय द वॉर बट मेनी मदर्स हैड ऑल्सो लॉस्ट देयर न्यू बॉर्न बेबीज। वो कह रहे कि बस नहीं उनके घर उस वॉर में तबाह हुआ, कई सारी मदर्स थी जिनकी न्यू बॉर्न बेबीज की भी डेथ हो गई थी। इट इज ऑल्सो सॉरोफुल दैट अ शॉकिंग साइट ऑफ मेनी थाउजेंड बॉडीज रॉटिंग इन द सन बिकम्स अ मेजर ऑफ ग्रेटनेस ऑफ अ फेमस विक्ट्री। वो कह रहे हैं इस वॉर को जिताने के लिए ना, इस वॉर को जिताने के लिए थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने जान दे दी थी, और वो धूप में एकदम जल रही थी, वो मतलब वो देख वो शॉकिंग साइट था वो, मतलब अगर आप देखते तो, और इसी की वजह से फेमस विक्ट्री बनी है ये। इट इज इंडेड आयरोनिक दैट कैस्पर गोज ऑन टू से, और मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया वो ये कहते हैं। एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन, और हर कोई उस ड्यूक की तारीफ करता जिसने ग्रेट फाइट लड़ी। बट इट इज थ्रू बट इट इज थ्रू द इनोसेंस ऑफ पीटर किंग, मतलब वो कहने तो उनका इनोसेंस था बच्चों का, कि पोएट जो है ना एक्सप्रेस करता है द कंडेमनेशन ऑफ वॉर, वाई इट वॉज वेरी बिग्ड थिंग सेड अ लिटिल विलमैन बट वर्ड गुड केम ऑफ इट एट लास्ट कोथ लिटिल पीटर किंग। द पोएम एक्सपोजेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द वॉर, बिल्कुल फॉर द कॉमन मैन वॉर मीन्स डेथ डिवास्टेशन हंगर डिस्ट्रक्शन ऑफ पीस, बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं ये लाइन ये बताती है किस्म के अंदर कितनी बर्बादी हुई है, और वो कह रहे कॉमन इंसान के लिए तो वॉर का मतलब क्या होता है, डेथ होना, बर्बादी होना, भूख, डिसरप्शन ऑफ पीस, शांति भंग हो जाना, ये तो होता है। द पोएट इज अनेबल टू पॉइंट आउट एनी बेनिफिट फ्रॉम द
that famous victory, ठीक है, by making Casper repeat that it was a great victory, the poet managed to question its greatness. हाँ, बस Casper से बार बार बोलवा कर poet ने ये maintain कर रखा कि हाँ ये great poem थी. What is won when everything is lost? क्या मिला जब सब कुछ चला गया? क्या जीते आप जब सब कुछ चला गया? Moreover, the idle boastfulness of heroes who win war and the futility of war itself is depicted by innocent children. वो कह रहे हैं कि ये जो सीखी थी ना फालतू की झूठी सूख से ही इन हीरोज की, जो वॉर जीते थे जबकि वॉर में सब कुछ बर्बाद हो गया, तो ये चीज सामने डिपेक्ट किसने किया? इनोसेंट बच्चों ने. फॉर दम उनके लिए ड्यूक ऑफ मार्लब्रो और प्रिंस यूजन जो थे ना, वो बहुत बेकार के लोग थे. शैडो फिगर्स मतलब बेकार लोग, फालतू लोग, बेकार. इन द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ सम डिस्टेंट पास्ट नेवर थे, मतलब फिर भी द चिल्ड्रन वर अनेबल टू ग्रेस्प देयर अचीवमेंट्स फ्रॉम अ ह्यूमन एंगल. उन बच्चों को तो इंसानों के नजरिए से, इंसानों के तरीके से कोई बेनिफिट नजर ही नहीं आया. दस इनोसेंट चिल्ड्रन बिकम द माउथ पीस ऑफ द पोएट. तो जो पोएट था उसने अपनी बात इन बच्चों के माउथ से कहने की कोशिश की है, जो कि एक्सप्रेस करते हैं डिसिप्रूवल ऑफ वॉर, जो कि बताना चाह रहे थे कि वॉर बहुत गंदा है, वॉर बहुत बेकार चीज है. बैकग्राउंड ऑफ द पोएम खत्म ही कर दूं मैं इसको, खत्म ही कर देते हैं इसको, है ना. After Blenheim is an anti-war poem that centers on the most famous battle in the War of Spanish Succession. Blenheim is the English name for a German base of Blindheim. ये याद रखना है, मतलब पता नहीं क्वेश्चन पूछेंगे नहीं पूछेंगे पर आपको पता होनी चाहिए. वो कहने की जर्मन के ब्रिज का नेम है बेसिकली Blenheim, उसको Blenheim बोला जाता है क्योंकि लेफ्ट बैंक पर है डेन्यूब रिवर के इन बावलिया इन सर्दन जर्मनी, है ना. इन नवंबर 1700 द ग्रैंडसन ऑफ किंग लुईस 14 ऑफ फ्रांस एसेडेड टू थ्रोन ऑफ स्पेन एस फिलिप वी ऑस्ट्रिया फिलिप वी स्पेन थ्रोन ऑफ स्पेन एस फिलिप वी ऑस्ट्रिया एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज सॉ दिस डेवलपमेंट एज एन अनफेयर प्लान ऑफ द फ्रेंच किंग पावर्स एंड इन्फ्लुएंस. बेसिकली वगैरह ये कुछ ऑस्ट्रिया फिलीपींस है ना यूरोपियन कुछ कंट्रीज इकट्ठी हुई, उन्होंने देखा कि यहाँ पर ना जो क्या कहते हैं फ्रांस के लोग हैं, जो फ्रेंच किंग हैं, वो अपने पावर में गलत तरीके से बढ़ाए जा रहा है, तो वो लोग एक साथ आए, है ना. कंसिक्वेंटली द वॉर ब्रोक आउट, उनके बीच में वॉर हुआ, है ना, 1701 में बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस. फर्दर मोर इंग्लैंड एंड नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया फ्रांस का अलग हुआ, इंग्लैंड एंड नीदरलैंड अलाइड, वो दोनों साथ हो गए देमसेल्फ विद ऑस्ट्रिया. फिर वो मतलब ऑस्ट्रिया के साथ वो नीदरलैंड और इंग्लैंड भी साथ में जुड़ गए. द जर्मन प्रिंसिपालिटीज ऑफ बावरिया एंड कोलोग्ने एंड द इटालियन प्रिंसिपालिटीज ऑफ मंतुआ एंड सेवे अलाइड देमसेल्फ विद फ्रांस, ये लोग फ्रांस के साथ हो गए. एज द वॉर प्रोग्रेस, जैसे वॉर आगे बढ़ा, पोर्टुगल एंड वेरियस जर्मन डोमिनियंस इंक्लूडिंग प्रूसिया, आई थिंक पर्सिया को बोलते होंगे पहले, एंड हैनोवर एंटर द वॉर ऑन द साइड ऑफ ऑस्ट्रिया. फिर ये लोग ऑस्ट्रिया के साथ जुड़ गए. सैनी साल अभी तक काउंट रही है, चक टीम बढ़ी है. इन एडिशन सेवर रिनाउंस इट्स एलिगेंस टू द फ्रेंच एंड ज्वाइन द एंटी फ्रेंच कॉलिजन. एक सेवर भी जो कंट्री है उसने भी एंटी फ्रेंच मतलब फ्रेंच, तो उन्होंने फ्रेंच के अगेंस्ट यानी ऑस्ट्रिया को ज्वाइन कर लिया उसने भी इन 1704. सर 3 साल तक चला ये. इन 1704 द कॉलिजन डिफीट फ्रेंच, ओके, इस ग्रुप ने कॉलेजों ने एक ग्रुप भी बना था लोगों का, इन्होंने फ्रेंच को डिफीट कर दिया एंड बावेरियन फोर्सेस एट द ब्लेनहेम इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ द वॉर. अमंग द कंकरिंग हीरोज वर मार्लब्रो एंड ड्यूक मार्लब्रो एंड सेवर प्रिंस यूजन. वो कह रहे हैं इनमें से जो मेन जो हीरो बच्चे वो यही थे, मतलब जिन्होंने का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था. बैकग्राउंड बहुत अच्छा था. ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्रैक करते हैं.